अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बोडुंचा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर व मारूफ और सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक रखने वाली हस्ती यानी के सुल्तान उल हिंद शेख उल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। सो इसी वजह से व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरी इस वीडियो और मेरे इस चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख के मुताबिक 14 रजबुल मुरज्जब 530 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 25 अप्रैल 1136 ईस्वी को ईरान के सूबा सिस्तान के शहर इस्फहान के एक छोटे से इलाके जिसका नाम संजर है में पैदा हुए। बहुत से लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुकम्मल नाम नहीं जानते। आपका मुकम्मल नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन और आपकी वालिदा का नाम हजरत बीबी सैयदा उमुल वरा था। इसके अलावा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जोजा का नाम हजरत बीबी असमत और हजरत बीबी उम्मतुल्लाह था, जिनसे आपके तीन बेटे और एक साहबजादी हुई जिनके नाम हजरत ख्वाजा फहरुद्दीन, हजरत ख्वाजा हस्सामुद्दीन, हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन और साहबजादी का नाम हजरत बीबी हाफिजा जमाल था। इसके अलावा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब से मिलता है। आपका सिलसिला नसब कुछ इस तरह है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन बिन हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन बिन हजरत सैयद कमालुद्दीन बिन हजरत सैयद अहमद हसन बिन हजरत सैयद नजमुद्दीन बिन हजरत सैयद अब्दुल अजीज बिन हजरत सैयद इब्राहिम बिन हजरत सैयद मोहम्मद महदी बिन हजरत इमाम हसन अस्करी बिन हजरत इमाम अली नकी बिन हजरत इमाम मोहम्मद तकी बिन हजरत इमाम अली रजा बिन हजरत इमाम मूसा काजिम बिन हजरत इमाम जाफर सादिक बिन हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन हजरत इमाम जैनुल आबिदीन बिन हजरत इमाम हुसैन बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विलादत की खबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने पहले ही आपके वालिद हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन को ख्वाब में दे दी। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन अपने वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दीन और एक मशहूर तरीन वलीउल्लाह थे, जिनका शुमार अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदों में होता था। इसी वजह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही अपने वालिद यानी के हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन से हासिल करना शुरू कर दी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद जब आपकी उम्र तकरीबन 15 साल हुई तो आपके वालिद हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन और आपकी वालिदा बीबी सैयदा उमुल वरा इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को विरसा में एक बाग और एक पंचकी मिली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस बाग में दिन रात मेहनत करते रहते और अपने इस बाग के फलों को बेचकर अपने रिस्क का सामान इकट्ठा करते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने बाग की निगरानी में मसरूफ थे तो वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और उस बुजुर्ग का नाम हजरत इब्राहिम कंदोजी था, जो कि अपने जमाने के एक मशहूर तरीन आलिम दीन और इश्के इलाही के रंग में डूबे हुए एक वलीउल्लाह थे। इसके बाद जब हजरत इब्राहिम कंदोजी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाग में पहुंचे तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपको निहायत ही अदब और एहतराम के साथ सलाम किया और हजरत इब्राहिम कंदोजी को अपने बाग के एक सायादार दरख्त के नीचे बिठाया और आपकी मेहमान नवाजी करना शुरू कर दी।
حالانکہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ نہیں تھے جانتے کہ جن کی وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ حضرت ابراہیم قندوزی نے آپ کو اپنی جھولی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر دیا، تو اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو کھایا تو آپ کی حالت قلب تبدیل ہو گئی اور آپ کا قلب نور الہی سے منور ہو گیا، آنکھوں کے سامنے جو حجاب تھا وہ حجاب ہٹ گیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی حالت ایسی تبدیل ہوئی کہ آپ کا دل دنیاوی معاملات سے دینی معاملات کی طرف بدل گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ورثہ میں ملنے والے باغ اور پنچکی کو فروخت کر کے یعنی کہ بیچ کر ملنے والی رقم غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے سے ہجرت کرتے ہوئے ازبیکستان کے شہر سمرقند پہنچے۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد ازبیکستان کے شہر سمرقند پہنچے تو وہاں پر آپ نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور نہ صرف قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کیا بلکہ آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سمرقند سے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تو آپ نے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند سے بخارا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد بخارا پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات بخارا کے ایک مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے ہوئی، اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے سے ہجرت کرتے ہوئے ازبیکستان کے شہر سمرقند اور پھر سمرقند سے بخارا کی طرف گئے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ازبیکستان کہاں ہے، تو ویورز ازبیکستان پاکستان ایران تاجکستان ترکمینستان اور افغانستان کے ساتھ ایک ملک کا نام ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ازبیکستان کے شہر جس کا نام بخارا ہے میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری سے دین کا علم حاصل کر لیا تو آپ کے دل میں روحانی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ازبیکستان کے شہر بخارا سے عراق کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی عراق پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے جو علم حاصل کیا وہ روحانی علم نہیں بلکہ دینی علم تھا۔ اسی طرح اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے دین کا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کے دل میں امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سرزمین نجف اشرف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرزمین نجف اشرف میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کے روضہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے حق میں دعا مانگی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی زندگی کے کچھ اہم اور خاص ترین لمحات امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کے روضہ مبارک پر گزارے۔ اسی طرح کچھ عرصہ امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کے روضہ مبارک پر رہنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دل میں شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نجف اشرف سے کربلا کے سفر پر روانہ ہو گئے۔
जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करबला पहुंचे तो वहां पर आपने सबसे पहले शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली के रोजे मुबारक पर सलाम किया और फिर अपने लिए दुआ की। इसी तरह कुछ अरसा करबला में रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करबला से सामरा, सामरा से काजमैन और फिर काजमैन से अपने मुर्शिद की तलाश में रूहानी इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तक का सफर तय किया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुर्शिद की तलाश में बगदाद पहुंचे तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। इसी तरह घूमते घूमते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद के एक कस्बा जिसका नाम हारून था के मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की खिदमत में हाजिर हुए तो आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने सबसे पहले आपको वुजू करने का हुक्म दिया। इसके बाद दो रकत नमाज अदा करने को कहा और जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दो रकत नमाज अदा कर ली तो आपके मुर्शिद ने आपको 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने को कहा। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हाथ पकड़ा और अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ बुलंद करते हुए फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे अल्लाह तक पहुंचा दिया और अल्लाह की बारगाह में बरगजीदा बंदा बना दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी से रूहानी इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुर्शिद के साथ मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ ममालिक तक का सफर तय किया। इस सफर के दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुलाकात अपने जमाने के जिन मशहूर तरीन वलीउल्लाह से हुई उनके नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी, हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, हजरत शेख नजीबुद्दीन, हजरत शेख अबू सईद तबरेजी, हजरत शेख अब्दुल वाहिद गजनवी और हजरत शेख बहाउद्दीन बख्तियार ओशी हैं। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत से मशहूर तरीन वलीउल्लाह थे जिनकी मुलाकात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने आपसे पूछा, ए मोइनुद्दीन, क्या तुम मेरे साथ हज पे चलोगे? तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहायत ही अदब और एहतराम के साथ जवाब दिया, ए मेरे मुर्शिद, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा कि मैं आपके साथ अल्लाह के घर का दीदार करूं। तो इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी इराक के शहर बगदाद से सरजमीने मक्कतुल मुकरमा की तरफ हज के सफर पर रवाना हुए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी कई महीनों का सफर तय करने के बाद सरजमीन मक्कतुल मुकरमा में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले हज और हज के फराइज अदा किए। हज अदा करने के बाद आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने आपका हाथ पकड़ा और फिर आपके हक में अल्लाह से दुआ मांगी, क्या मेरे अल्लाह, मैं इस मोइनुद्दीन को तेरे हजूर पेश करता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, तू इससे वो काम करवा जो काम तू चाहता है। इसी तरह इसके बाद कुछ अरसा मक्कतुल मुकरमा में रहने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके मुर्शिद मक्कतुल मुकरमा से मदीनतुल मुनव्वरा के सफर पर रवाना हुए। इसके बाद जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे तो आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा, ए मोइनुद्दीन, तमाम अंबिया के सरदार रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम पेश करो। तो इसके बाद जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहायत ही अदब और एहतराम के साथ रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सलाम पेश किया तो रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतब। इसके बाद जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने रोजाए रसूल से सलाम के जवाब की आवाज सुनी तो आप अपने मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहने लगे, ए मोइनुद्दीन, मुबारक हो, अब तुम्हें दर्जा-ए-कमाल हासिल हो चुका है,
اسی طرح اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تقریباً 10 سال تک اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروانی سے روحانی علم حاصل کر لیا تو آپ نے اپنے گھر یعنی کہ ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اصفہان کے چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے گھر پہنچے تو آپ کو اپنے گھر پہنچے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ آپ کے دل میں حج اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے گھر سے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ اور ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ حج حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دوسرا حج تھا۔ تو اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین مکہ المکرمہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور پھر کئی دنوں تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آواز آئی، اے معین الدین، تم ہمارے دین کے معین اور مددگار ہو، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، تو جاؤ اور اجمیر میں جا کر قیام کرو، تمہارے وہاں جانے سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے خاص مریدین یعنی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ فخر الدین، حضرت شیخ محمد یادگار سبزواری اور اپنے دوسرے مریدین کے ساتھ مختلف شہروں اور مختلف علاقوں کا سفر طے کرتے ہوئے بغداد پہنچے۔ اسی طرح بغداد سے ملتان، ملتان سے لاہور، لاہور سے پٹیالہ، پٹیالہ سے دلہی اور پھر دلہی سے اجمیر پہنچے۔ تو اس وقت اجمیر پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ جب کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے 40 مریدین اجمیر پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے 40 مریدین کے ساتھ لوگوں کی آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے پاس اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ جب راجہ کے سپاہی اپنے اونٹوں کو باندھنے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک درویش 40 درویشوں کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو یہ دیکھ کر راجہ کے سپاہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس گئے اور زور زور سے کہنے لگے، او بابا اٹھو یہاں سے، یہاں پر اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اچھا تو ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں لیکن یہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اس درخت کے پاس ایک جھیل تھی جس کا نام انا ساگر تھا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ اس جھیل کے پاس والی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ساری رات اس پہاڑ پر گزاری۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے سپاہی اپنے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے اس درخت کے پاس پہنچے۔ تو جب سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو سپاہی کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کے بعد راجہ کے سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے انہیں لاٹھیوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی وہ اونٹ وہاں سے نہ اٹھے۔ راجہ کے سپاہی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور دوڑتے دوڑتے راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس گئے اور راجہ سے کہنے لگے، اے اجمیر کے راجہ، ایک فقیر آیا تھا، اس نے رات کو ہم سے کہا تھا کہ تمہارے اونٹ نہیں اٹھیں گے اور جب ہم صبح اونٹوں کو اٹھانے کے لیے گئے تو اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کے بعد جب اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے سپاہیوں کی زبان سے یہ سنا تو راجہ بہت پریشان ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی فقیر تو نہیں کہ جس کے بارے میں میری ماں نے مجھ سے کہا تھا
क्या पृथ्वीराज, बहुत जल्द एक फकीर आएगा जो तेरी सल्तनत का तख्ता उल्टा देगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने एक लंबा सांस लिया और डर के मारे अपने सिपाहियों से कहने लगा कि जाओ और उस फकीर से माफी मांगो, उसके कदमों में गिर जाओ और आजजी का इजहार करो कि किसी तरह वो फकीर तुम्हें माफ कर दे। तो इसी तरह राजा के सिपाही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिदमत में हाजिर हुए और आपके कदमों में गिरकर निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आपसे माफी मांगने लगे। तो इस पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन सिपाहियों को उठाया और इन्हें कहा कि जाओ, तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए। इसके बाद जब राजा के सिपाही अपने ऊंटों को उठाने के लिए ऊंटों के पास पहुंचे तो हैरान होकर क्या देखते हैं कि ऊंट खड़े हैं। इसके बाद जब राजा पृथ्वीराज चौहान को इस बात का इल्म हुआ कि उस फकीर के कहने पर ऊंट दोबारा वापस उसी तरह खड़े हो गए तो राजा पृथ्वीराज चौहान को इस बात का इल्म हो गया कि वाकई ये फकीर वही है कि जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि पृथ्वीराज, बहुत जल्द एक फकीर आएगा जो तेरी सल्तनत का तख्ता उल्टा देगा। इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शोहरत हर तरफ फैलती गई और अजमेर के बेहद से लोग आपके मुरीद बनने लगे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ अक्सर वुजू करने के लिए अना सागर के किनारे पानी की तलाश में जाया करते थे। व्यूअर्स, अना सागर हिंदुओं का एक ऐसा खास मुकाम था कि जहां हिंदुओं के बेशुमार मंदिर थे। इन मंदिरों में 1000 से भी ज्यादा बुत रखे हुए थे और इन मंदिरों में 300 पुजारी रहते थे। इसी वजह से इन मंदिरों में भगवान का दिया जलाने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान हर रोज 3.5 मन तेल भेजा करता था और इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही जा सकते थे। इसी वजह से जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और आपके मुरीद वजू करने के लिए अनासागर के मुकाम पर पहुंचते तो वहां के हिंदू और मंदिरों में रहने वाले पंडित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भुरा भला कहते कि कहा ये निचली जात के मुसलमान और कहा हम, पता नहीं कहां से ये निचली जात के मुसलमान रोजाना हमारा पानी नापाक करने के लिए आ जाते हैं। इसी वजह से अजमेर के सारे हिंदू और पंडित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से तंग आकर एक दिन अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिकायत करने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, क्या हमारे राजा, वो हकीर से मुसलमान रोजाना आकर हमारा पानी नापाक कर जाते हैं और इनकी मौजूदगी से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है और अगर आपने इन्हें ना उठवाया तो हम इन्हें धक्के मार मार कर उठा देंगे। इस पर राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जाओ, तुम्हें इजाजत है और मेरे सिपाहियों को साथ ले जाओ और इस ढोंगी फकीर और इसके मुरीदों को धक्के मार मार कर यहाँ से भगा दो। इसके बाद राजा के सिपाही अजमेर के तमाम हिंदू और पंडित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर हमला करने के लिए आपके पास पहुंचे तो जैसे ही राजा के सिपाही अजमेर के तमाम हिंदू और पंडित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर हमला करने के लिए आपके पास पहुंचे तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुट्ठी भर हाक राजा के सिपाही अजमेर के तमाम हिंदुओं और पंडितों की तरफ फेंक दी। अब वो हाक जिस जिस पर पड़ी या तो वो पागल हो गया या तो उसका जिस्म खुश्क हो गया। ये देखकर तमाम लोग डर गए और इनके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया जिसका जिधर मुड़ता भाग निकलता। इसी तरह कुछ लोग वहां से भागते भागते राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को ये सारी बात बताई तो राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत घबराया और राजा पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के सबसे बड़े आलिम जिसका नाम साधु राम था को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भेजा कि जाओ और किसी तरह इस फकीर को यहां से भगा दो। राजा के हुक्म पर साधु राम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर से निकालने के लिए अला सागर की तरफ रवाना हुआ। जब साधु राम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचा तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी निगाह करम साधु राम पर डाली तो जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी निगाह करम साधु राम पर डाली तो साधु राम ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और एक सच्चा मुसलमान बनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिदमत करने लगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने जादूगरों में सबसे बड़े जादूगर यानी के जादूगरों के सरदार को जिसका नाम जादूगर जयपाल था को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भेजा कि जाओ, अब मुझे तुम्हारे अलावा और किसी पर यकीन नहीं रहा और किसी तरह इस फकीर को धक्के मार मार कर अजमेर से निकाल दो। इसी तरह जादूगर जयपाल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और जोर जोर से कहने लगा, ए फकीर, तू हो जाएगा या मैं तुझे धक्के मार मार के निकालूं।
तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी और अपने मुरीद से कहा कि जाओ और इस तालाब से पानी का एक प्याला भर कर ले आओ। इसके बाद जैसे ही आपके मुरीद ने तालाब से पानी का प्याला भरा तो तालाब बिल्कुल खुश्क हो गया। ऐसे लगता था कि जैसे तालाब में कभी पानी था ही नहीं। इसी तरह कुछ दिन बाद अजमेर के तमाम पानी के कुएं भी खुश्क हो गए और लोग पानी का एक एक कतरा पीने के लिए तरसने लगे। जब जादूगर जयपाल ने यह देखा कि पानी तो है ही नहीं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी पानी को तरस तरस कर मर जाऊंगा, तो जादूगर जयपाल आगे बढ़ा और दूर से ही खड़ा होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहने लगा, ए फकीर, अल्लाह की महलूक प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रही है और आप खामोशी से देख रहे हैं। आप तो फकीर है ना, और फकीर तो अल्लाह की महलूक पे रहम करते हैं, जुल्म नहीं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप महलूक खुदा को प्यासा मरने से बचा लें। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ और इस प्याले का पानी तालाब में डाल दो। इसी तरह आपके मुरीद ने जैसे ही प्याले का पानी तालाब में डाला तो तालाब पानी से भर गया। जादूगर जयपाल ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और उसे इस बात का इल्म हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का कोई नेक वली है। लेकिन क्योंकि जादूगर जयपाल उस वक्त के तमाम जादूगरों का सरदार था, इस वजह से उसने हार न मानी और दिन रात एक ही कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह मैं इस फकीर को यहाँ से निकाल दूं। इसी वजह से जादूगर जयपाल कभी हजारों सांपों से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर हमला करता और कभी आसमान से आग के पत्थरों की बारिश करता। इसी तरह आखिरकार जब कई दिनों की कोशिशों के बाद जादूगर जयपाल को इस बात का इलम हो गया कि वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शिकस्त नहीं दे सकता, तो ये जादूगर नहायत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कदमों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे माफ कर दिया और वो जादूगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद और एक सच्चा मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने लगा। इसके बाद अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के आम मुसलमानों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया। राजा के सिपाही दिन रात आम मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया करते। इसी वजह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजा पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम को कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब राजा पृथ्वीराज चौहान ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गिर्द हजारों अकीदतमंदों की तादाद देखी तो अपने महल के एक राजपूत सरदार को हुक्म दिया कि जाओ और इस फकीर के सारे मुरीदों को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ और उस फकीर को 2 दिन का वक्त दो कि वह यहां से भाग जाए, वरना यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो राजपूत सरदार राजा पृथ्वीराज चौहान के हुक्म से हजारों सिपाहियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचा और आपके मुरीदों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जोर जोर से कहने लगा, ए फकीर, हमारे राजा का हुक्म है कि तू यहां से चला जा, वरना तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस सरदार की जुबान से ये सुना तो जलाल में आकर कहने लगे, हम तो अल्लाह की महलूक की बेहतरी के लिए आए हैं और पृथ्वीराज हमारे काम में क्यों दहल अंदाजी करता है, और जाओ जाकर अपने राजा से कह दो कि अजमेर से हम नहीं बल्कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथों से निकाले जाओगे। इसी तरह सल्तनत गोरी के बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी, जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह शिकस्त खाकर बैठा था और बार बार अपनी शिकस्त को याद करके रोता रहता था कि एक दिन उसके ख्वाब में अल्लाह का एक वली आया और कहने लगा, ए शहाबुद्दीन, उठो और जाओ पृथ्वीराज चौहान से जंग करो, वो जल्द तुम्हारे हाथों कैद होगा। इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अपनी फौज के साथ अफगानिस्तान से चला और राजस्थान पहुंचकर राजा पृथ्वीराज चौहान की 2 लाख फौज का मुकाबला करते हुए राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी। और इसी तरह अजमेर के कमजोर और बेबस मुसलमानों ने सुख और चैन का सांस लिया। इसके बाद अजमेर के कुछ लोग सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के पास आए और कहने लगे, ए अजमेर के बादशाह, एक फकीर हुआ करता था जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि ए पृथ्वीराज, तू बहुत जल्द मुसलमानों के हाथों कैद होगा
और ऐ अजमेर के बादशाह, आज हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस फकीर की कही हुई बात सच हुई। इसके बाद जैसे ही लोगों ने सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को उस फकीर के बारे में बताया, तो सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने अपने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और किसी तरह अल्लाह के उस नेक वली को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। तो इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की फौज ढूंढते ढूंढते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे नहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगी कि अल्लाह के वली, आपको राजस्थान का बादशाह, अजमेर का हाकिम सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी बुला रहा है, वो आपकी ज्यारत करना चाहता है। तो जैसे ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीदों के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के पास पहुंचे, तो सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में गिरकर कहते हैं, बेशक वो अल्लाह के वली आप ही थे कि जिन्होंने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा था कि ऐ शहाबुद्दीन, उठो और जाओ पृथ्वीराज चौहान से जंग करो, वो जल्द तुम्हारे हाथों कैद होगा। इसी तरह इसके बाद हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद बन गए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों को दीने इस्लाम का सच्चा इल्म सिखाने में गुजार दी। इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 5 रजब अल-मुरज्जब 633 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 22 मार्च 1236 ईस्वी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के सूबा राजस्थान के शहर जिसका नाम अजमेर है में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका मज़ार यानी कि आपकी दरगाह मौजूदा दौर में भारत के सूबा राजस्थान के शहर अजमेर में ही वाकई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को अपने इन नेक और पाक लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को नेक, सच्चा और एक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी के हालातों वाकयात के बारे में भी वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बवटुनशा की न्यू अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज बवटुनशा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसी तरह व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल बवटुनशा की तरफ से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्ला अलैह की मुख्तसर सी हिस्ट्री को बयान करने के लिए बनाई गई, खत्म हुई। अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आई हो तो मोहब्बत का इजहार, इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल बवटुनशा सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्यूअर्स, सब्सक्राइब करने पर आपका एक रुपया भी नहीं जाया होगा, बल्कि हमारी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। सो इंशाल्लाह व्यूअर्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बेहद सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।